अरे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड एक नया चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन का मतलब आप जानते हो, हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन वर्ड का मतलब था क्या? हाइड्रोजन वर्ड से स्टार्टिंग हो रही है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, बेसिक इंट्रोडक्शंस कर रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए इंट्रोडक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एस ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन का क्वेश्चन अक्सर मेंस और एडवांस में बनता हुआ देखा गया है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब होता है हाइड्रा। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, और जेने जेनमस का मतलब होता है आपके पास मेकर। हाइड्रा प्लस जेनमस, इन दोनों से मिला के बनाया था इसको, हाइड्रो जेन। यानी हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और जेनमस का मतलब होता है मेकर, पानी बनाने वाला यानी वाटर बनाने वाला एलिमेंट। ये हमारे पास हाइड्रो एच जेन के बारे में बोला गया, एक ऐसा एलिमेंट जो वाटर का मेन कंपोनेंट है और आपके पास वाटर बनाता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर हम इसकी अबाउंडेंस देखें तो अर्थ पर ये लगभग 50% है। ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ पर 15th नंबर का एलिमेंट है अबाउंडेंस के हिसाब से। सबसे नंबर 1 पे कौन है? ऑक्सीजन, फिर आता है आपके पास नाइट्रोजन, फिर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, सिलिकॉन, कार्बन, जो इससे ज्यादा होते हैं। तो ये 15th नंबर पे आता है, एल्यूमिनियम, आयरन, बहुत सारे एलिमेंट हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें, वर्ल्ड वाइज तो स्पेस के अंदर या यूनिवर्स की बात करें, ये नंबर 1 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशंस। और लगभग 76% ऑफ यूनिवर्स इसी से मिलके बना हुआ है। लिखिए, तो 15th मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट है ये। मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिससे बनने वाले कंपाउंड सबसे ज्यादा है। तो मैक्सिमम कंपाउंड्स के अंदर ये देखने को मिलता है, आप कहीं पे भी देख लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के बारे में कुछ खास रोचक तत्व हमारे पास क्या है? H2। सबसे पहले H2 अपने आप में क्या है? एक गैस है। दूसरा, H2 हमारे पास जो है स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। थर्ड, H2 का एटॉमिक वेट कितना है? 2 AMU। फोर्थ, H2 हमारे पास H+ भी बना सकता है और H- भी बना सकता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, और इसको बोलते हैं हाइड्राइट। यानी ये दोनों तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी? +1। और यहां ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? यहां पर -1। सही है, इन दोनों को ये शो करता है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें, फिफ्थ, इसकी जो पोजीशन है, पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल, या तो इसको फर्स्ट ए में रखो आप एल्कली के साथ, या इसको आप 7th ए में रखो हैलोजन के साथ। एल्कली के साथ क्यों रखना पसंद करेंगे? क्योंकि H+ बनाता है, जैसे Li+
सोडियम प्लस रुबिडियम प्लस बनते हैं, वैसे ये भी बन रहा है। और हेलोजन के साथ क्यों रख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये माइनस भी बनाता है, जैसे सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस वगैरह। ये हाइड्रोजन के कुछ अच्छे पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आपके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 या 1s1, n1s1, ठीक है? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। सेवेंथ, इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी एक ही होगी, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पास है हाइड्रोजन के बारे में, हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा हाइड्रोजन गैस को लेते हुए बनाना पड़ेगा हमारे को, यानी हाइड्रोजन गैस की कुछ पॉइंट्स और उनके आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप, यानी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तीन तरह के आइसोटॉप्स रखता है, तीन तरह के आइसोटॉप्स रखता है, कौन कौन से? तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं, पहला 0H1, दूसरा 1H1 और तीसरा ये हमारे आएगा 1H1 और ये 1H2 और तीसरा 1H3। इसके अंदर इसका नाम है प्रोटोनियम। क्या नाम है इसका? प्रोटोनियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। और इसका क्या नाम है? ट्रिटियम। आप मुझे बताएं प्रोटोनियम के लिए, अगर आप सिंपल से बात करेंगे प्रोटोनियम, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं? कितने प्रोटॉन हैं? एक। और न्यूट्रॉन कितने हैं? जीरो। यहां प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन एक, और यहां प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन दो। एक और खास बात, प्रोटोनियम सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबाउंडेंट, मोस्ट अबाउंडेंट, लगभग 99.9997%, बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? एक आईडी से मैं बता देता हूं, ये दोनों बहुत ज्यादा रेशियो इनका रहता है, 6000:1 रहता है, और ये दोनों बहुत कम रहते हैं, ये तो बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है। तो ये अलग से लिख लीजिए, मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट, और ये रेडियो एक्टिव है। इसको हम ट्रिटियम भी बोलते हैं, इसको हम ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन ही बोलते हैं। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये रेडियो एक्टिव है। ऐसा कौन सा आइसोटॉप है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं? प्रोटोनियम। ऐसा कौन सा आइसोटॉप है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है? ट्रिटियम। ऐसा कौन सा आइसोटॉप है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है? ड्यूटेरियम। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है? हाइड्रोजन। पूरी पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं होते, हाइड्रोजन। एच प्लस अपने आप में क्या है? एक प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचा? सिर्फ प्रोटॉन। तो एच प्लस को इसीलिए अपन प्रोटोनियम बोले, क्योंकि प्रोटोन ही तो है वो, ठीक है? तो ये हमारे पास छोटे छोटे से पॉइंट आ गए। इसके अलावा हम बात वापिस आते हैं, और वो है हमारे पास स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो लिख लीजिए, देखिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो रही है? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है नवजात, जो जस्ट पैदा हुई है। ये एक तरह से फ्री रेडिकल की फॉर्म में पैदा होती है, और बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? H2 में। तो जैसे ही पैदा हुई है उसी वक्त जो बन रही है वो एक तरह से काफी हद तक H2 बनने और H से H2 बनने वाला प्रोसेस होता है। उस फ्री रेडिकल हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन इज द हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स जनरेट। जिंक H2SO4 लेंगे, जिंक सल्फेट होगा, तो हाइड्रोजन पहले एटॉमिक फॉर्म में निकलेगी, H डॉट H डॉट, और फिर वो अगर थोड़ा सा भी देर हुई तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? H2। तो उस बनने के दौरान जो बन रहा है उस जगह वो क्या हो गई? नेसेंट हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज, इट इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोजन। FeCl3 के साथ करेंगे, FeCl2 और HCl, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिनके साथ ये रिएक्शन करती है, उनको रिड्यूस करती है। अगर आप FeCl3 K2 Cr2O7 KMnO4 की
नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर बनते हुए ही रिएक्शन हो रही है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं ये सारे, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाती है H2 में, और बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, लेकिन साथ ही कलर भी चेंज हो जाते हैं। जैसे K2Ca2O7 कैसा होता है, ऑरेंज, बाद में कैसा हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, और K2Ca2O7 ऑरेंज से किस में जाता है, ग्रीन में। और इसका कलर कैसा होता है आप जानते हैं, KMnO4 एक तरह से कैसा होता है, रेडिश, वो रेड कलर उसका चेंजेज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कलर चेंज होना ये बता रहा है कि नेसेंट हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हम बात करते हैं अगली, एडसॉर्ब हाइड्रोजन। एक नॉर्मल हाइड्रोजन को अगर हम किसी ऐसे मेटल के ऊपर रख देते हैं जिनकी सरफेस थोड़ी रफ होती है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोजन को। इनके अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, पोरस हॉल होते हैं, पोरस का मतलब छोटे छोटे हॉल होते हैं, दिखते नहीं है वो, वहां हाइड्रोजन क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, चिपक जाती है, और वो उसके बाद उसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल हाइड्रोजन से भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको बोलेंगे एड्सॉर्ब हाइड्रोजन। ये मेटल कौन से होते हैं, निकल, पेडमियम, रुथेनियम, प्लेटिनम, इनकी सरफेस पर हाइड्रोजन कंडेंस हो जाती है, चिपक जाती है इनके रफ पॉइंट पे, और किसी भी रिएक्शन में आ जाती है। आज जैसे कोई भी रिएक्शन है, मैंने H2 और इसके साथ करा, डार्क रख दिया, अगर डार्क रख रहा हूं तो रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन डार्क के साथ अगर पेडमियम डाल दूंगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन गैस से रिडक्शन करना होता है, तो कैटलिस्ट का काम करते हैं ये मेटल, और लगभग 2000 गुना यानी 2000 टाइम्स स्पीड बढ़ जाती है। तो जब आप जैसे एल्कीन है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजन गैस चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हाइड्रोजन लोगे तो रिएक्शन या तो बहुत स्लो होगी या होगी नहीं, लेकिन अगर वही चीज आपने पेडमियम, रूथीनियम, निकल कुछ भी ले लिया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। निकल में थोड़ा स्लो होती है एज कम्पेयर टू इनमें के कम्पेयर में, इसलिए निकल को एक्टिव किया जाता है स्पेशली, उसको फिर बोलते हैं हम रैनी निकल, ठीक है, उसको साफ किया जाता है, उसकी सरफेस को एक्टिव बनाया जाता है, तो रैनी निकल फिर थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है उसकी रिएक्टिविटी। अगर इनके अलावा कोई और मेटल लोगे तो इतनी रिएक्टिविटी नहीं रहेगी, ठीक है। हाइड्रोजन हर एक मेटल पे कंडेंस हो जरूरी नहीं है, उनमें जो होल की साइज होनी चाहिए, पोरस होल जो होते हैं वो इसी रेंज में होने चाहिए। आ रही है, अब आ रहा है ऑक्लूशंस, ऑक्लूशंस डिक्रीजेस ऑन टेम्परेचर इंक्रीजेस। मैं सही बात बता रहा हूँ, बहुत इजी है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जो बबल है हाइड्रोजन जो एब्जॉर्ब हो चुका है, वो जो एड्सॉर्ब है वो एड्सॉर्ब रह पाएगा क्या, नहीं, वो तो वापस रिलीज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे क्यों रिलीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, वंडरवाल। तो जब वंडरवाल बॉन्ड बन रहा है तो वंडरवाल बॉन्ड तो जैसे ही गर्म करा वैसे ही टूटेगा, और टूटते ही अलग हो जाएगा, अलग होती ही रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये रेट जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। तो जनरली जब भी अपन मेटल हाइड्रोजन रिडक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखते, लो टेम्परेचर रखते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक हाइड्रोजन, ये अलग ही तरह की हाइड्रोजन है जो एटम की फॉर्म में रहती है। इसको कैसे बनाया जाता है, ऑब्वियसली आप H2 को क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, किस में, ट्वाइस H में। तो ये एक तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कब मिलेगा, जब बहुत लो प्रेशर हो और बहुत हाई वोल्टेज हो, तो आपको क्या बनेगा, इट जनरेट एट लो हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तब बनेगी। अगर प्रेशर हाई रखोगे तो भी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि एच बना हुआ है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर की वजह से H2 में। तो आपको हाई वोल्टेज रखना भी जरूरी है, अगर लो वोल्टेज रखोगे तो इतनी एनर्जी कहाँ से लाओगे, बहुत हाई वैल्यू ऑफ है अपने आप में। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन एक डिस्चार्ज ट्यूब में मिलती है या आर्क वेल्डिंग करते वक्त मिल जाती है, क्योंकि तब भी इतना टेम्परेचर आ जाता है आर्क वेल्डिंग में, तो H2 किस में डिकम्पोज हो जाती है HH में। और ये हाइड्रोजन अपने हमें बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये अपने हमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। आ रही है बात समझ में, इन सबको लिख लो। देखिए हम हाइड्रोजन जो है हमारे पास उसको हम कैसे कर सकते हैं, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 को, एक ऑर्थो हाइड्रोजन, एक पैरा हाइड्रोजन। हम ये जानते हैं हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन ही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ही क्या है, प्रोटॉन है। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है, दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ये या तो ऐसे हो या ऐसे हो, दोनों मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी रोटेट करते हैं, आप जानते हो ना, जैसे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं वैसे प्रोटॉन भी घूमते हैं। तो अगर दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में घूमते हैं तो ऑर्थो, और अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो तो पेरा हाइड्रोजन। तो
तो यहां देखिए दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, पैरा हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? एक और की पॉइंट आपके पास आ रहा है कि अगर आप देखेंगे तो एच टू ऑर्थो और एच टू पैरा दोनों में इक्विलिब्रियम बनता है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। समझ में आ रहा है? तो क्या आप प्योर इसको ला सकते हो? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे अगर आपने टेम्परेचर 800 से ज्यादा ले लिया, कितने से ज्यादा ले लिया, 800 केल्विन से, या आप निकल और आयरन जैसे मेटल यूज कर रहे हो, या आप O2 यूज कर रहे हो पैरामैग्नेटिक एलिमेंट एलिमेंट, ये सारे फैक्टर वो हैं जो पेरा की कंसंट्रेशन या पेरा का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। लेकिन कितना ही बढ़ा लें, ऑर्थो से ज्यादा तो अभी भी नहीं बढ़ा रहे। तो फैक्टर बाय विच पैरा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, हाइड्रोजन इंक्रीजेस, या तो आप मेटल ले लो कोई एक्टिव मेटल, या फिर आप क्या ले लो पैरा मैग्नेटिक एलिमेंट, या फिर आप क्या ले लो टेम्परेचर, या आप क्या करो डिस्चार्ज वो कर लो, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लो। इलेक्ट्रिक ट्यूब, इसमें ये चारों फैक्टर आपकी पैरा हाइड्रोजन की क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। और हो सकता है दोनों बराबर तक आ जाएं, लेकिन फिर भी जनरली ऑर्थो ज्यादा ही रहेगा। लिख लो ये। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस तो आपने पढ़ ही लिया है कि उनके प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पढ़नी होगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? कुछ की पॉइंट्स आपके पास आ सकते हैं और ये सब पूछे जाएंगे। की पॉइंट इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट की पॉइंट। पहला जो कि आप लिख चुके हो, ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा, पैरा हाइड्रोजन, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, और पहला तो क्लियर है, ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। दूसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्थो इज मोर देन पैरा, वेपर प्रेशर इज मोर इन ऑर्थो देन पैरा, पैरा हाइड्रोजन। थर्ड, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होगी, ऑर्थो की। स्पेसिफिक हीट जानते हैं, इट इज द रिक्वायर्ड हीट टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्थो, यानी ऑर्थो को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑर्थो इज हायर, देन पैरा। फोर्थ, अगर स्पेसिफिक हीट के बारे में कंडक्टिविटी की बात है, मैं बात करते हैं, अभी तक हर चीज किसकी ज्यादा है, ऑर्थो की, कुछ तो पैरा की ज्यादा होनी चाहिए। तो कंडक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी मतलब चार्ज कंडक्टिव, वो क्या कहते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ पैरा इज हायर देन ऑर्थो। फिर आता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्थो, ऑर्थो में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्थो क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं,
ऑर्थो इज ट्वाइस ऑफ प्रोटोन, सही है, ट्वाइस ऑफ प्रोटोन, जबकि जबकि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, वेयर एज पेरा के लिए क्या होगा, वेयर एज फॉर पेरा, यानी पेरा मैग्नेट, पेरा के लिए कितना होगा, जीरो, क्यों भाई, क्योंकि दोनों प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंटम क्या कर देंगे, जीरो। तो आपको ये प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी है, करें